गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर लेक्चर सेकेंड ऑफ चैप्टर 9 नेचुरल डिजास्टर्स एंड टुडे टॉपिक इज स्केलिंग अर्थक्वेक्स एंड दियर इफेक्ट्स, मीन्स कि अर्थक्वेक और उसके प्रभाव को कम करना, किस तरह से हम अर्थक्वेक और उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, कि मींस कि अर्थक्वेक जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड डिटेक्ट या मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को टू वेज से एक्सप्रेस्ड किया जाता है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा है इंटेंसिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स एंड इंटेंसिटी इन रोमन न्यूमरल्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड में हम पूरे नंबर को, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड को पूरे नंबर में एक्सप्रेस्ड किया जाता है और इंटेंसिटी को रोमन न्यूमरल्स में किया जाता है। द रिचर स्केल इज ए स्टैंडर्ड स्केल विच इज यूज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब रिचर स्केल एक स्टैंडर्ड स्केल है जिसका यूज अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता को पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, इफ देयर इज ए अर्थक्वेक मेजरिंग 3, 4, or 5 ऑन द स्केल, इट मीन्स देयर विल बी सम डैमेज टू प्रॉपर्टी। अब अगर अर्थक्वेक 3, 4, or 5 स्केल से आता है तो इसका मतलब है कि वह कुछ ही प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, मीन्स कि थोड़ी ही प्रॉपर्टी को उनसे नुकसान होगा। इफ इट इज 6 or more देन there will be a huge damage even causing death। यदि या 6 या इससे भी ज्यादा की स्पीड से आता है तो ये क्या करेगा, ह्यूज डैमेज यानी कि बहुत भारी नुकसान हो जाता है इससे, यहां तक कि डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए। देयर आर सम वेज इन विच यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ एट टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, कुछ वेज हैं जिससे आप अर्थक्वेक के टाइम खुद को सेफ रख सकते हैं। जैसे फर्स्टली इज डू नॉट पैनिक, स्टे काम, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, घबराना नहीं चाहिए और इत्मीनान रखना चाहिए, मीन्स आराम से उसे हैंडल करना चाहिए। सेकंड इज इफ यू आर ऑन द टॉप फ्लोर, डू नॉट यूज एलिवेटर, यूज ए स्टेयर केस। इट मीन्स कि अगर आप कहीं टॉप फ्लोर पर हैं तो उस वक्त अर्थक्वेक के दौरान लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। लिफ्ट का यूज ना करके आपको किसका यूज करना चाहिए, सीढ़ियों का। ओके, एंड नेक्स्ट इज इफ यू आर ड्राइविंग, स्टॉप योर व्हीकल्स एंड कम आउट इन ए ओपन एरिया। यदि आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, यदि आप ड्राइव कर रहे हो तो उस समय अपने व्हीकल्स को खड़े करके कहीं ओपन एरिया में जाना चाहिए। फोर्थ, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल और बेड इफ यू आर इनसाइड द रूम। कि अगर आप रूम के अंदर हैं तो आप किसी भी टेबल या बेड के नीचे भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर रन, कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए अर्थक्वेक के दौरान, दौड़ना नहीं चाहिए। 6, अवॉइड स्टैंडिंग नियर द थिंग्स दैट कैन फॉल, मीन्स ऐसी जगह नहीं खड़े होना चाहिए जिससे कि कोई चीज़ आप पर गिर जाए ना, तो अगर उसके नीचे खड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, अगर वो गिरेगी
तो आपको आप इंजर्ड होंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, मींस ओपन प्लेस पे आपको होना चाहिए. ओके, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. ओके, दैट्स ऑल.